configure library import library for Polystock plan configure general setting jet zero degree rotation configure color red ok configure text style Arial ok configure point style zero point two okay color text style data import ASCII live data coldtop import right click explode right click select unwanted line delete select unwanted line delete save layer on P line P line draw कर लेना है बाउंड्री 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 में इन एडवांस मैं करके रखा था आप यहां से P line लीजिएगा आउटर बाउंड्री आपको सेलेक्ट कर लेना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं जेड को मैं ऑफ कर दिया जेड को मैं ऑफ कर दिया देखिए मैं एक पी लाइन ड्रॉ किया हूं आउटर बाउंड्री पूरा आउटर बाउंड्री पी लाइन ड्रॉ कर लेना है देन आपको इसमें इंटरपोलेट करना है इस डाटा को इससे पहले आप डीटीएम फिल्टर करेंगे मैं पहले ऑन कर दूं इसका नाम कोल्टॉप सीटी रेड है तो रेड से रख लिया जाए बाद में याद रहेगा रेड DTM active DTM tin on कर दीजिए आपको triangles दिखने लगेगा कि क्या DTM बना है अब आप filter DTM करेंगे DTM DTM filter boundary एक window ये खुला इस window pick from screen पॉलीलाइन को सेलेक्ट कीजिए यहां इंक्लूजन बाउंड्री एडेड 1 लिखा जाएगा राइट क्लिक
आप देख सकते हैं कि बाहर का जो ट्रायंगल्स था वो डिलीट हो गया, केवल अंदर का रहा। और ये टॉप लाइन है, ये बॉटम लाइन है, इसके बीच में देखिए स्लोप का इंटरपोलेशन करेगा। अब आप इसका इंटरपोलेशन कीजिए, डीटीएम, डीटीएम पॉइंट टू ग्रिड पॉइंट, टाइप वाई, इंटर, सेलेक्ट क्लोज्ड पॉलीलाइन, दिस इज क्लोज पॉलीलाइन, सेलेक्ट किया, दस, इंटर, दस, इंटर, सेलेक्ट स्टार्ट पॉइंट ऑफ ग्रिड। मैं इस लाइन को ड्रॉ करके रखा हूँ 10-10 मीटर मल्टीपल्स में। इसका इन वन एंड को सेलेक्ट किया, टाइप जीरो, इंटर, टाइप वन, इंटर, नॉथिंग, कुछ नहीं रहेगा, इंटर, इंटर, लाइंस देखना है, यस, इंटर, ऐड न्यू ग्रुप, इंटर, ग्रुप टू जनरेट हो गया और आपका कोल्ड टॉप इंटरपोलेट हो गया 10-10 मीटर इंटरवल पर। नाउ डाटा, व्यू सर्वे डाटा, यहाँ ग्रुप टू सिलेक्ट कीजिए, ये आपका इंटरपोलेटेड डाटा ग्रुप टू में है। एक्सपोर्ट, यहाँ आप नाम दीजिए INTCT, सेव। अब उस फाइल को खोलिए, ये अनवांटेड फाइल मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपका आईएनटीसीटी है, ABC डिलीट कर दीजिए, EF डिलीट कर दीजिए, EF डिलीट, ये आपका INT कोल्ड टॉप हो गया। इसको सेव, यस, बंद करेंगे, यस, INT सिटी, यस, 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 INT सिटी कंप्लीट। प्लान, अब ये सारा डाटा को ऑफ कर दिया जाए। सबसे पहले DTM, एक्टिव DTM, यहाँ आप तीन कंट्रोलेबल दोनों ऑफ कर देंगे, ऑफ हो गया। न्यू DTM 2 बनाएंगे, लेयर से सारा ऑफ कर देना है। पॉलीलाइन जीरो को छोड़ दीजिए, ये सारा ऑफ हो जाएगा। केवल पॉलीलाइन खुला रहेगा। यहाँ पर आप ग्रुप जनरेट कीजिए, न्यू ग्रुप 3, तीन नंबर ग्रुप में हम GL लाएंगे, और DTM 2 में, ग्रुप 3 में एक्टिव DTM, DTM 2 है, और
ग्रुप थ्री में आपका आएगा जीएल, ठीक है। कॉन्फ़िगर कलर चेंज करेंगे, जीएल का ग्रीन ग्रीन दीजिए, ओके। डाटा इंपोर्ट आस्की जीएल इंपोर्ट, आप देख रहे हैं कि यहाँ का जीएल नहीं है और यहाँ का जीएल नहीं है, जबकि हमने कोल्ड टॉप का इंटरपोलेशन किया था तो यहाँ का भी इंटरपोलेट किया है, कोल्ड टॉप यहाँ का भी किया है। इस पर जीएल नहीं है तो कोयला यहाँ का नहीं निकाल पाएगा। अभी सरिया का भी हम जीएल इंटरपोलेट कर लेते हैं। इसके पहले डीटीएम फिल्टर करेंगे, डीटीएम एक्टिव डीटीएम टिन ऑन कर दीजिए, देखिए इस सारा जीएल को पकड़ रहा है, 63 है, ये भी ऑलमोस्ट 63 है, 61, 62, 62, इस सारा को लेके ही हम इसमें इंटरपोलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ 61 है, 62 है, 62 है, 63 है, ये भी 63 है और ये भी 63 है। तो मैं डीटीएम फिल्टर कर लेता हूँ, डीटीएम डीटीएम फिल्टर बाउंड्री, पिक फ्रॉम स्क्रीन क्लिक कीजिए, नीचे बोला सेलेक्ट इंक्लूजन बाउंड्री, क्लोज बाउंड्री को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, आप देखेंगे बाहर का ट्रायंगल्स ऑफ हो गया, हट गया, केवल इसके अंदर कर गया। तो अब मैं इसको इंटरपोलेट करूंगा, डीटीएम डीटीएम पॉइंट्स टू ग्रिड पॉइंट, जेनरेट डीटीएम पॉइंट्स इनसाइड बाउंड्री वाई, यस, सेलेक्ट क्लोज्ड पॉलीलाइन, पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर लिया, 10 मीटर, इंटर, 10 मीटर, इंटर, सेलेक्ट स्टार्ट पॉइंट, सेम स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे जो पहले किया था, 0, इंटर, 1, इंटर, नॉर्थ नहीं देंगे, ईस्ट भी नहीं करेंगे, इंटर, डिस्प्ले लाइन यहाँ नो कर देता हूँ, इंटर, ऐड डाटा टू न्यू ग्रुप, इंटर, ग्रुप नंबर 4 जनरेट हुआ। ग्रुप नंबर 4 जीएल का इंटरपोलेटेड डाटा है। अब मैं डाटा फिर आऊंगा, व्यू सर्वे डाटा, यहाँ ग्रुप नंबर 4 सेलेक्ट किया, ये जीएल का डाटा है, इंटरपोलेटेड जीएल, एक्सपोर्ट डाटा, यहाँ लिखेंगे INTGL से, इसको बंद कर देंगे, वो फाइल खोलेंगे INTGL, ABC को डिलीट,
सेलेक्ट, राइट क्लिक, डिलीट, सेव, यस, क्लोज, यस, IMTTL, सेव, यस, यस, अब इसको बंद कर दीजिए. कोल्ड टॉप एंड कोल्ड बॉटम दोनों आपका इंटरपोलेशन हो गया है. अब आप इसमें सेक्शन बनाएंगे. सेक्शन बनाने के लिए आप सबसे पहले सेक्शन इंपोर्ट टू डाटा फ्रॉम फाइल सेलेक्ट IMTCT ओपन चेंजेस में 2 डालिए, ऑफसेट में 3 डालिए, एलिवेशन में 4 डालिए, 5 डालिए, डिस्क्रिप्शन रूट नेम CT, कलर रेड, ओके. Then import. थोड़ा इंतजार करना है. अब आप इसको ऑफ करिए. सेक्शन इंपोर्ट टू डाटा फ्रॉम फाइल IMTGL ओपन चेंजेस में 2 ऑफसेट में 3 में 4 डिस्क्रिप्शन में 5 IMTGL कलर आप ग्रीन सेलेक्ट कर लीजिए. ओके यहाँ ऐड टू ग्रुप, ग्रुप में ऐड कर लेते हैं. मल्टी लेयर सेक्शन बनाने के लिए हर बार आपको 1 सेलेक्ट करना होगा. पहली बार न्यू, उसके बाद जब भी इंपोर्ट कीजिए 1 इंपोर्ट. थोड़ा इंतजार, इसको आप क्लोज कर दीजिए. सेक्शन रूट देख लीजिए कि आपका रूट देखिए ग्रुप 1 में ये है, ये रेड है. 560 से आपका सेक्शन बनेगा 10-10 मीटर पर. अब GL पे हम क्लिक करते हैं, देखिए ग्रीन हो गया, ये हमारा GL है. इस पर क्लिक करते हैं, देखिए रेड हो गया. इस तरह का ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, एक ऊपर एक नीचे. देखिए यहाँ चेंज करेंगे IMTGL, कलर हमने ग्रीन दिया था, इसको सेलेक्ट करेंगे. देखिए ये ग्रीन वाला हाईलाइट हो गया. चलिए इसको ऑफ किया जाए. सेक्शन जेनरेट क्रॉस सेक्शन, आप वहां एक चीज देखना मैं भूल गया, व्यू, सॉरी, सेक्शन रूट. इसमें देखिए ये मल्टीपल्स है, 560 10-10 का मल्टीपल्स है. ये कितनी दूर तक है, 32,00,560 से लेके 32,00,690, 560 से लेके 690, 32,00,560
से लेके 32,00,690, इसको याद रखना है। सेक्शन जेनरेट क्रॉस सेक्शन ये है, यहाँ 250 रखिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वन ही ग्रुप है सेक्शन के लिए, ये यहाँ टाइप कीजिए 32,00,560, यहाँ टाइप कीजिए 32,00,690, ऑटो के जगह पे 10 कीजिए, देन नेक्स्ट। देखिए ग्रीन रेड जेनरेट, आपका कोल स्टॉक का 10-10 मीटर पर सेक्शन बन रहा है। सेक्शन बनकर तैयार हो गया, देखिए कोल टॉप कोल बॉटम आरएल है। आप ये देखिए, इसको ये सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक मूव, मैं यहाँ सिलेक्ट करके इसको नीचे लाता हूँ। ये आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया, ये वाली चीजें जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपका ये एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया है इतने का, जो कि आपको दे दिया। हर सेक्शन से आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लीजिए, ठीक है, और उसको ट्रेपेजॉइडल रूल लगाकर वॉल्यूम निकालिए। उसके बाद बियॉन्ड का कैलकुलेशन अलग करके उसमें जोड़ दीजिए। अब एक चीज़ें और हैं कि मैं सेक्शन एरिया रिपोर्ट, सिटी आपके जरूरत के हिसाब से एरिया यहां पर दिखेगा। देखिए 60 में आपने सेक्शन बनाया था, आपका एरिया रिपोर्ट ये है, डिस्टेंस कितने कितने दूरी पर डिस्टेंस लिया, ये एरिया रिपोर्ट आपको दे रहा है। इसको हम सेव कर सकते हैं, सेव रिपोर्ट, देन आप सेक्शन वॉल्यूम रिपोर्ट सिटी जीएल, इसमें क्या है कि आपको स्टार्ट चैनल से इतना सारा का दे दिया, लेकिन स्टार्ट चैनल मेरे को 32,00,560 था, इन चेनेस 690 शायद 90 था, इस हिसाब से आप यहां से भी इसका एरिया देख सकते हैं। इसमें इतना एरिया है, 570 में इतना एरिया है, 80 में इतना एरिया है, ये सब एरिया आपको ले लेना है। इससे भी ले सकते हैं आप, यहाँ लिखा है 590 में 992, सेक्शनल लेआउट में आइए 590
590 ये होना चाहिए, 580 590 में देखिए 992 यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एरिया है, और वॉल्यूम रिपोर्ट में भी देखिए 992 लिखा हुआ है। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, बाकी का डिलीट कर देंगे, जो 560 है, 570 है, 580 है उसका रखेंगे और बाकी का डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया रिपोर्ट आपको मिल गया। आप डिपॉजिटर रूल लगाइएगा और वॉल्यूम निकालिएगा। अब इसके बाद बियॉन्ड वाला वॉल्यूम आपको जोड़ना होगा। तो पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ एक्सेल शीट में। ठीक है, ठीक है, फॉर एरिया 10 MTRS इंटरवल के लिए टू गेट। ठीक है, फॉर ये भी चलेगा, सेव। अब आप यहाँ आइए, यहाँ पर आप देखेंगे कोल टॉप एंड बॉटम। तो इस जगह पर मुझे एक्टिव डीटीएम वाला पार्ट को खोलना पड़ेगा बियॉन्ड का ऑफसेट लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं उसको ऑन रखूंगा, पहले वाले को, कोल टॉप को। पर क्लिक कीजिए, थोड़ा समय देना पड़ता है ऑन होने के लिए। इस सब को ऑफ कर देना होगा तो आपको साफ लाइन दिखेगा। यहाँ पर आप ग्रुप वन का जेड ऑफ कर दीजिए। देखिए टीन ऑन है, टीन को भी मैं ऑफ कर दूंगा। टीन को ऑफ कर देना जरूरी है। डीटीएम, एक्टिव डीटीएम, देखिए इसका ऑफ कर दिया। डीटीएम वन पर हम काम कर रहे हैं इसलिए डीटीएम वन को ही कर लिया। अब देखिए यहां तक का सेक्शन आपको वॉल्यूम मिल चुका है, 650 सेक्शन तक का दे दिया है। अब ये ऑफसेट आपको देकर हाफ करना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 650। देखिए सेक्शन स्टार्ट हुआ है 560 से, 560 में एरिया 118 है। प्लान पर जाएंगे, सेक्शन 560 कौन सा है? देखिए ये ऐसा सेक्शन बनाया, तो आपका ये एरिया छूट रहा है। सेक्शन इस डायरेक्शन में बना है, इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ, इस डायरेक्शन में आपका सेक्शन बना है। इस कलर में मैं रेड कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा सेक्शन आपका बनाया गया है। मैं इस डायरेक्शन में सेक्शन बनाया हूँ, आप
डायरेक्शन चेंज करके भी सेक्शन बना सकते हैं जिस डायरेक्शन में चाहें। तो मुझे एक ये बाउंड देना होगा, उसके बाद देखिए ये सेक्शन का डाटा आपको लिया हुआ है, दे दिया है, तो आपको यहाँ भी एक बियॉन्ड देना होगा, यहाँ बियॉन्ड देना होगा, इसलिए किसके बाद ये लाइन नहीं आया है। तो एक बियॉन्ड आपको यहाँ देना होगा ये पार्ट में, एक बियॉन्ड आपको इस जगह देनी होगी, इसके बाहर देना पड़ेगा बियॉन्ड। तो दो तीन बियॉन्ड आपको इस डायरेक्शन में करने से देना पड़ रहा है। तो आपको करना क्या है, पहले मैं इसको रेड कर दूं। सेक्शन का तो आप निकाल लिया, अब इतनी जगह का आपको देना है, तो उसके लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, सारा डिस्टेंस चाहिए, आप यहीं से मेजर कर लीजिए। बियॉन्ड सेक्शन 32,560, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका लेंगे इनटू एवरेज डिस्टेंस, ये 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 डिवाइडेड बाय टू, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का देखिए 1 मीटर, ठीक है। फिर रिपीट कीजिए, आप इसको लिख लेना, लिखते जाएंगे 3.8 मीटर और डिवाइडेड बाय टू, ये डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टू इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वॉल्यूम में जोड़ देंगे, तो ये आपका एक पूरे का वॉल्यूम कोल स्टॉक का निकल जाएगा। अब प्लान प्रिपरेशन आपको करना है, प्लान भी आपको प्रिंट करके देना है। उसके लिए आप इन सबों को ऑफ कीजिएगा, लेयर में जाके लेयर में जाइए, सभी चीजों को ऑफ कर दीजिए, मैं समझता हूँ पी लाइन को भी ऑफ कर देना चाहिए, कुछ चीज़ें बची हैं जो कि ये लाइंस हैं, इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, ऊपर से भी नीचे सेलेक्ट कीजिए और इसको किसी लेयर में डाल दीजिए। ये आप पी लाइन वाले लेयर में ही डाल देते हैं, ये सारा पी लाइन के लेयर में चला गया। अब जीरो लेयर में कुछ नहीं है, अगर हम पी लाइन लेयर को ऑन करेंगे तो ये सारा दिखेगा, पी लाइन को हमने ऑफ कर दिया, जीरो लेयर में कुछ नहीं है। अब आप प्लान बनाने के लिए इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट करने के लिए आप कोयला टॉप को दिखाएंगे ब्लैक से, तो कुछ चेंजेस करनी होगी। सबसे पहले ग्रुप 4 तक हमारा बन गया, ऐड न्यू ग्रुप, न्यू 5 नंबर ग्रुप सेलेक्ट किया। डीटीएफ भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसलिए
कि वो डीटीएम वॉल्यूम निकालने के लिए है, और ये डीटीएम 3 और 4 केवल प्लान के लिए यूज करेंगे। डीटीएम 3 करता हूँ और ग्रुप 5 में हम मारते हैं, ठीक है। कलर मैं कोल्ड टॉप का ब्लैक मैं लाऊंगा, इंटरपोलेटेड कोल्ड टॉप। डाटा इंपोर्ट आईएमटी सिटी इंपोर्ट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ग्रुप फाइव नहीं, इसको लाने के लिए एक्चुअली गैपिंग ज़्यादा है, टेक्स्ट ये सब को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ग्रुप 5 को, अच्छा नेक्स्ट सेशन में मैं इसको बताता हूँ, अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन में प्लान बना कैसे बनाना है वो बताऊँगा। इसी डीटीएम को यूज़ करते हुए प्लान बनाएंगे, इसी फाइल में, दूसरा फाइल खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं दूसरा वीडियो में आपको प्लान बनाने बताऊंगा।